एसी का ये है कि हर थोड़े देर में बंद हो जाता है, और जो साइट टेक्नीशियन है, उस जनाब ने या हीरो ने या हैंडसम ने ये कहा कि भाई इसका ट्रांसफार्मर ख़राब है, इस वजह से वो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो शुरुआत के लिए अभी हम लोग पैनल खोले हैं, वन बाय वन चेक करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि कोई ये कहे कि एसी थोड़ा देर में ट्रिप कर जाता है, तो ट्रिप करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें से एक ब्रेकर है, उसमें से लूज कनेक्शन है, उसमें वोल्टेज इशू है, बहुत सारे, लेकिन तीन मोटा मोटी है, वोल्टेज, ब्रेकर और लूज कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। भाई ने कहा कि ट्रांसफार्मर चला गया है इसलिए इसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने कहा है, वो हैंडसम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वैसा मैं बोलता हूँ हैंडसम। चलो ठीक है, सबसे पहले फेस चेक करते हैं। चलो ये यानी कि कितना है आपका, 233 फेस है, ओके ओके, तो 230 आ रहा आपका वोल्टेज, यानी मेन वोल्टेज, ओके, लाइन वन लाइन टू तीनों में आपका दिखा रहा है, ओके, यानी मेन लाइन का तो इशू नहीं लग रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है तो ब्रेकर भी ट्रिप नहीं हुआ है, ये भी सवाल हो गया। अब जाएंगे, जब ये हो गया तो सबसे पहले हमें जाना है ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर उस पर जाएंगे तो ओके वो है, बाद में हमारा आउटपुट देखना है कितना है। ये इनपुट आपका 220 है, हाँ, आउटपुट 24, आउटपुट कौन सा है, इसमें चार वायर है, देखो तो चार है ना, दो वाइट और दो ब्लैक, तो चार हो गया। तो आउटपुट 24 वाला जो है, वाइट वाला 24 है लिखा हुआ ना, क्लियर ध्यान दो, आउटपुट 24 वोल्ट लिखता है, आउटपुट 10 वोल्ट ब्लैक, जो ब्लैक कलर है वो 10 वोल्ट आउटपुट होगा और वाइट वाला 24 होगा। तो हमें 24 का काम है, इस पीसीबी को कुछ चीज़ में 10 वोल्ट भी चाहिए, लेकिन हमारा थर्मिस्टर 24 है इसलिए मेन 24 चाहिए। तो हम लोग पहले चलते हैं 24 के पास, यहाँ पर अगर 24 आ गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहीं पर चेक कर लेते हैं आरसी में। देखो भैया, आ हा हा हा, अच्छा 24 भी आ रहा है, 24 आरसी में है, यानी कि ट्रांसफार्मर ओके है, वो आउटपुट दे रहा है, पर बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, जबकि तो आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग सीजी में चेक करते हैं, सीजी देखो यहाँ पर है, सेम है ना, वो जो टर्मिनल थर्मोस्टेट का टर्मिनल है वो सेम यहीं पर है, यहाँ से वो वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर सीजी में चेक करेंगे, सीजी में नहीं आ रहा है, यानी कि थर्मोस्टेट बंद है, ओके, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि थोड़ा देर में ट्रिप करता है, पहले हम लोग चेक कर ले रहे, ओके, वाई वन में भी नहीं आ रहा, ओके। तो अभी हम लोग एक जंपर का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, बार बार जंपर बोले तो टेस्टिंग है, परमानेंट नहीं होना चाहिए, तो एसी बंद ही नहीं होगा ना, प्रॉब्लम है, तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ओके। Okay, अभी देखो आर से जी को जम किया है, ठीक है, पहले नहीं चल रहा था ना, आर से जी को जम किया है और जी से वाई वन को यह जंपर लगाया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, जैसे लगाया फौरन चालू हो गया, ठीक है, सब चालू हो गया। हाँ, अब एम्पेयर देखना चाहिए, नया एसी है, क्योंकि क्यों ऐसा वाला कंप्लेंट किया था, 5.9 है रेटेड, सॉरी एक्चुअल एम्पेयर ब्लोअर का 6 ले रहा है, यानी कि ये आपका है 4.3, ध्यान दो, ब्लोअर ब्लोअर का 5.3 है, या आपका 6 ले, ज़्यादा ले रहा है, 5.3 है या आपका एक्चुअल 6 ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, ओके। कंडेंसर फैन 3.4 है, आपका 4.3 है, ओके फाइन, ठीक है। कंप्रेसर पे जाएंगे, कंप्रेसर आपका 23 ले रहा है, आपका 27.9, यानी सब ओके है, ब्लोअर का एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, इसमें से ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ब्लोअर का एम्पेयर हम लोग कम करेंगे, ब्लोअर का एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, 6 ले रहा है, 5.3 रेटेड लिखा हुआ, चलो ओके। जंपर निकाल दो, ऐसे रखा, देखो जंपर निकाल दिया, बंद हो गया, जंपर लगाने से, हाँ, तो यानी कि वो नीचे से भी बंद है, ओके ठीक है, निकाल लो, ओके, बेल्ट निकाल लिया, बेल्ट निकाल के, ओके, तो ये सिंगल बेल्ट वाला पुली है, तो सिंगल बेल्ट वाला जो पुली है ना, इसमें दो एलेंथ की, एक है देखो, ये शाफ्ट के लॉक के लिए, इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, पुली एडजस्ट करने के लिए सिर्फ ये सामने वाला है ना, सिंगल वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबका थोड़ा डिज़ाइन अलग है ना, ये साफ्ट में लॉक करने के लिए, ये तो वो लॉक है ऑलरेडी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये खोल, लूज़ करो, खोलना भी नहीं है, लूज़ किए, ओके,
कहाँ गया है वो? ओके, नो स्पिलायर। तो एम्पियर था हमारा 5.3 रेटेड, एक्चुअल था 6, ठीक है। ओके, आ गया, ये निकाल दिए, साइड रखो। और ये मैंने कहा जब लूज करना है तो घड़ी का उल्टा, बार बार घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में जाना है, एम्पेयर कम करने के लिए और सीएफएम कम करने के लिए, यानी कि हवा भी कम हो जाएगा और एम्पेयर भी कम हो जाएगा। बढ़ाने के लिए टाइट करना है, घड़ी के डायरेक्शन में जाना है एम्पेयर और हवा बढ़ाने के लिए, लेकिन बार बार घटाने और बढ़ाने से पहले रेटेड एम्पेयर पे जरूर जाना। ये नहीं है कि आपको ऐसे अपनी मर्जी से साउंड कम करना, क्योंकि आप कम करेंगे कूलिंग का इफेक्ट हो जाएगा, कूलिंग में फर्क पड़ जाएगा। तो कम वैसी करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेटेड के ऊपर ही से करना है। आप भी मान लीजिए जैसे इसका 6 ले रहा था तो कम करना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए वो रेटेड आपका 5.3 एक्चुअल भी आपका 4.2 है, फिर आप कम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भले साउंड नीचे आ रहा है तो फिर उसके लिए फिर दूसरा है कि उसके लिए फिर एयर बैलेंसिंग टीम चाहिए, हवा कितना आ रहा है, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन ऐसे कम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, करेंगे आपको कूलिंग को अफेक्ट करेगा। अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रेटेड एम्पेयर से ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। या मान लीजिए आपका 5.3 है, एम्पेयर 2 ले रहा है, तो हम वहाँ बढ़ा सकते हैं, आपके पास जगह है, 5 तक आप आ सकते हैं। अभी हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एक इसको फॉलो कीजिए, देखिए जो हम लोग लॉक निकाले ना, तो वहाँ से एक घुमा के लाए उसी जगह पे, एक एक और लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 2 लेते हैं, 2 लिए, बस इसको इतना डाल दीजिए, बस आसान सा है भाया। ओके, छोटा सा, ओके, बाद में इसको आप फुल टाइट कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, आलू पराठा काम कर रहा है, चलिए अच्छी बात है। ओके, बाद में बेल्ट को लगा दो। हाँ, बेल्ट लूज हो गया। ओके, लूज हो गया, इसको टाइट करने के लिए ये दोनों को पहले आपको लूज करना है ताकि वो आगे पीछे हो सके। ओके, ये हो गया, आपको यहाँ पर भी याद रखिए पीछे करना है, बेल्ट को टाइट करना है तो इसको सेम घड़ी डायरेक्शन पर, ये भी याद रखिए, लूज करना है घड़ी का उल्टा, सिंपल वे में, ठीक है। तो हम लोग अब इसको टाइट करना है, घड़ी डायरेक्शन में हम लोग इसको टाइट करेंगे, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, बाद में इसको टाइट करना ना ही बोले ना, तो क्या होगा, मोटर आगे पीछे होगा, साउंड भी करेगा और प्रॉब्लम भी बाद में आएगा। इस ये कर दिए हैं, अभी हम लोग इसका एम्पेयर चेक करेंगे, ठीक है। एम्पेयर आ जाओ भाई, बुला लगा रहे हैं, चलो कितना, अभी पहले था 6 था ना, कम हो गया, कम हो गया। ओके, 4.78 ले रहा है, यानी लगभग आपका 1.5 एम्पेयर कम हुआ, क्योंकि 6.2 तक जा रहा था, कम हो गया। ओके, इस तरह से आप उसका एम्पेयर कम कर सकते हैं। ओके, कंप्रेसर में जाएंगे, एसी बंद था, रूम टेम्परेचर हाई है, इसलिए एम्पेयर ज़्यादा दिखा रहा है, 27.9 है, 28 है, एम्पेयर ज़्यादा दिखाने का जरूरत, ज़्यादा नहीं दिखा रहा, यानी कि फिर भी 4.1 के हिसाब से कम दिखा चाहिए इतना, 27 है तो लगभग आपको 21 तक दिखाएगा वो, 20-21 तक, तो रूम टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि वहाँ से थर्मिस्टर ऑफ है, नीचे भी जाके चेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको ये करते हैं। ओके,